गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड दिस इज नो योर बाइसिकल। सो आज हमारे साथ हैं नदीम जी, जो आज हमसे इलेक्ट्रिक साइकिल लेके जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्यों उन्होंने एक इलेक्ट्रिक साइकिल लेने का विचार बनाया और क्या लगता है कि ये साइकिल कितना कारगर है रोड पे। बताइए सर, आज आप ये इलेक्ट्रिक साइकिल लेके जा रहे हैं, वो भी एक वर्ल्ड बाइसिकल डे के दिन 3 जून, तो आपने इलेक्ट्रिक साइकिल की तरफ रुझान का क्या कारण है? एक तो एनवायरनमेंट के लिए ठीक है कि हमारा एनवायरनमेंट इतना है, इस टाइम पे पेट्रोल की महंगा भी हो रहा है काफ़ी और कार्बन भी काफ़ी जनरेट करती है, तो इसलिए कि एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए भी बढ़िया है, हमारे हेल्थ के लिए तो है बढ़िया चीज़। नो डाउट। तो आपने ये साइकिल के बारे में कहाँ देखा? मैंने एक आईडी देखा था, एक तो मेरा फ्रेंड ही लेके आया है। हाँ, आदिल भाई लेके आए हैं जी। और बाकी फिर मैंने यूट्यूब पे देखी, कई सारी वीडियो देखी, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे, उनके उसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे, यूजर भी अच्छा है, फोल्ड भी हो जाती है, सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल बढ़िया है। तो मैं दर्शकों को बता दूं, जिनकी रेफरेंस ये दे रहे हैं आदिल, उनका एक खुद का एक यूट्यूब चैनल है और वो डियर सर के नाम से बहुत फेमस है। अगर कोई नहीं जानता है तो गूगल पे या यूट्यूब पे डियर सर करके लिखेंगे तो आपको पता लगेगा। 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ वो शख्स इतना एनवायरनमेंट के प्रति इतना जागरूक है कि उन्होंने भी हमसे इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदी थी और उनको देखा देखी उनके मित्र वो भी आज इलेक्ट्रिक साइकिल लेके जा रहे हैं। और हम आशा रखते हैं कि आपका सफ़र सुहाना रहे आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने लिए एक हेलमेट भी खरीदा। क्यों? क्योंकि सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी, सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई ही हैज़ बॉट अ हेलमेट फॉर हिमसेल्फ। तो आगे जाके आप भी अब साइकिल खरीदते हैं तो हेलमेट लेना मत भूलिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन सेफ्टी। सो थैंक यू नादीन जी, एंड आई होप आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू।